नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में घर में चोर देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपने भी अपने घर में सपने में चोर को देखा है तो यह सपना आपके लिए कई तरह से संकेत करता है। इस सपने का कई तरह से मतलब हो सकता है। दोस्तों, सपने ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो सपने में हम सभी लोग चोर को अलग अलग तरह से देखते हैं। कोई अपने सपने में चोर को भागते हुए देखता है तो कोई सपने में चोर को पकड़ते हुए देखता है। इसी तरह से कई लोग देखते हैं कि उनके घर में चोरी हो रही है और तो कई लोग अपने घर में चोरी होते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर सपने में घर में कोई चोर चोरी करते हुए दिखे तो इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, सपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में चोर को घर में देखना हमारे लिए एक बेहद ही अशुभ संकेत होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यह सपना देखा है तो इसका अर्थ यह होता है कि आने वाले समय में आपको मान सम्मान आपका घट सकता है, आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी आ सकती है, समाज में आपकी बेइज्जती हो सकती है। तो दोस्तों, वो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका सम्मान घटे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही स्वप्न शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहें।